हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू करंट अफेयर्स फंडा। और आज हम देखेंगे ये जो नई कंट्रोवर्सी जनरेट हुई है आज, और ये बेसिकली करंट अफेयर्स से ज़्यादा रिलेटेड है और ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, जहाँ पे आधार को सोशल मीडिया से लिंक करने की बात कही जा रही है। ओके फ्रेंड्स, तो आइए देखते हैं ये पूरा मसला है क्या और पूरी न्यूज़ को हम कवर करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले फ्रेंड्स, हमारे चैनल पर एक पॉलिटी सीरीज चल रही है, जो कि आप चैनल को विजिट करें और प्लेलिस्ट में जाके इस पॉलिटी सीरीज को वॉच कर सकते हैं। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से डिजाइन की गई है, काफी लूसिड और इजी वे में समझाया गया है। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर टॉपिक ऑफ द डे। तो फ्रेंड्स, बेसिकली ये है क्या, जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है के वेणुगोपाल, उन्होंने कहा है कि देयर इज अ नीड टू लिंक सोशल मीडिया प्रोफाइल्स ऑफ रजिस्टर्ड यूजर विद देयर आधार नंबर्स। ओके, तो बेसिकली इसके पीछे जो सरकार है उसकी मंशा ये है कि जितने भी सोशल मीडिया के प्रोफाइल्स हैं, चाहे वो आप व्हाट्सएप हो, ओके, या फिर फेसबुक हो, ठीक है, उसे आप अपने आधार नंबर से लिंक कर दीजिए। ठीक है, यह सरकार ऐसा कोई प्रावधान लाए जिससे ये ऐसा कंपलसरी हो जाए इसे लिंक करना। अब इसके पीछे मंशा ये है कि जो ऑनलाइन क्राइम्स होते हैं, ऑनलाइन क्राइम्स और जो प्रोपेगेंडास लोग फैलाते हैं और जो फेक न्यूज फैलाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, या फिर चाइल्ड पोर्नोग्राफी होती है उसको कर्टेल करने के लिए, या टेरर रिलेटेड आउटफिट्स होते हैं जो रिक्रूटमेंट्स करते हैं और थ्रू ऑनलाइन, ठीक है, या फिर जितने भी इलीगल एक्टिविटीज होती है जो कि सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया को थ्रेटन करती है एट एनी हाउ, और या फिर सोसाइटी को हैम्पर करती है, या फिर यहाँ के लोगों को हैम्पर करती है एट एनी मीन्स, उसको कर्टेल करने के लिए ऐसी बात कही जा रही है। ओके, तो यहाँ पे ये कहा गया किसके द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, कि हम एक राइट बैलेंस स्ट्राइक करने की कोशिश कर रहे हैं, जहां पे राइट टू ऑनलाइन प्राइवेसी और राइट टू स्टेट, मतलब स्टेट यानी पूरा भारत, ठीक है, टू डिटेक्ट पीपल हु यूज द वेब टू स्प्रेड पैनिक और कमिट क्राइम्स। तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि हम एक राइट बैलेंस देख रहे हैं अभी, ठीक है, या देखेंगे फिर हम इस पे चर्चा करते हैं। तो बेसिकली ये हुआ क्यों, क्योंकि फ्रेंड्स हाल ही में फेसबुक है जो, उसने डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया और ये कहा कि जितने भी केसेस हैं मद्रास और एमपी, राजस्थान, यहाँ पे पेंडिंग है रिलेटेड टू लिंकिंग ऑफ आधार विद देयर रजिस्टर्ड फेसबुक आईडीज, उन सारे केसेस को आप ट्रांसफर कर लीजिए सुप्रीम कोर्ट में, विच इज द एपेक्स कोर्ट ऑफ इंडिया, और फिर आप डिसाइड कीजिए कि क्या ये सही है कि सारे जो आईडीज हैं या फिर जितने भी यूजर्स हैं फेसबुक के, उनके आईडीज को उनके आधार से लिंक कर दिया जाए, ठीक है। और फेसबुक पे का यहाँ पे ये भी तर्क है कि इज इट राइट, यहाँ पे ये जो राइट टू प्राइवेसी है जो आर्टिकल 21 के तहत सुनिश्चित की गई है भारत के संविधान के द्वारा, यहाँ पे क्या वो हैम्पर तो नहीं हो रही है। ओके, और फेसबुक ये कह रहा है कि यहाँ पे हम राइट टू जो प्राइवेसी है, जो एक फंडामेंटल राइट ऑफ द सिटीजन है, वो हैम्पर हो सकती है, ठीक है। तो वो सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर की है उन्होंने और ये कहा है कि आप ही देखिए क्या ये कितना सही है कि मान लीजिए हमारे यूजर्स की आईडी आप लिंक करेंगे तो आप बिल्कुल हमारे यूजर्स को ट्रैक कर सकते हैं कि कब वो वहां क्या कर रहे हैं, या फिर कहाँ भोजन कर रहे हैं, या फिर कहाँ अपना वेकेशन स्पेंड कर रहे हैं, या फिर वो अभी इस वक्त किस देश में और किस देश में नहीं है। ओके, तो ये उनकी राइट टू प्राइवेसी से रिलेटेड है, और आप क्या यहाँ पे उनके जो मानव अधिकार हैं या फंडामेंटल राइट्स, उनका हनन नहीं हो रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ लिंकिंग ऑफ आधार। क्योंकि इससे पहले भी आपने देखा होगा जो 2017 में एक जजमेंट आया था, जो बहुत ही फेमस केस था जो राइट टू प्राइवेसी से रिलेटेड था, जिसका नाम था पुत्तुस्वामी केस, वहां पे भी सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि राइट टू प्राइवेसी जो है वो एक फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 21, जो राइट टू लाइफ का आर्टिकल है, उसके उस आर्टिकल के तहत जो राइट टू प्राइवेसी है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये एक फंडामेंटल राइट है जहां पे सिटीजन्स अपनी प्राइवेसी को अगर डिस्क्लोज नहीं करना चाहते तो सरकार या फिर किसी भी, मतलब कोई भी राज्य सरकार है, उस पर उन पर प्रेशराइज नहीं कर सकती। जहां पे हमने देखा था कि सरकार ने ये कहा था कि आपको सिम खरीदने के लिए या फिर आपको बैंक का अकाउंट खुलवाने के लिए हर चीज के लिए आधार को मैंडेट कर दिया था, फिर इसके बाद काफी मतलब मूवमेंट्स हुए, और उसके बाद जो फाइनल केस आया था जिसपे पुत्तुस्वामी केस है जो काफी इंपॉर्टेंट है 2017 में, वहां ये जजमेंट आया कि राइट टू प्राइवेसी इज अ
फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21। तो उसी को आधार बना के फेसबुक ये कह रहा है कि क्या ये उचित है कि जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने 2 साल पहले ये वर्डिक्ट दिया है कि राइट टू प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट एंड विच कैनॉट बी कटेल्ड, ओके, तो अब यहाँ पे आधार को अगर आप लिंक करेंगे फेसबुक की आईडी से तो वहां पे राइट टू प्राइवेसी वहां पे पर्सन की हैम्पर हो रही है या फिर आप उसकी जो फंडामेंटल राइट्स है उसके साथ खेल रहे हैं, उसका हनन हो रहा है। तो इसी को बेस बना के आज जो फेसबुक है उसने भी सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर की है और उन्होंने कहा है कि आप जितने भी केसेस हैं पेंडिंग इंडिया में डिफरेंट डिफरेंट हाई कोर्ट्स में उन्हें आप बुला लीजिए अपने पास कहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में जो कि एपेक्स कोर्ट ऑफ द कंट्री है और फिर आप डिसाइड कीजिए कि क्या ये सही है और क्या ये गलत है कि आपको यहाँ पे मतलब ये लिंक करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ओके? तो सरकार का ये कहना है, सरकार की तरफ से जैसे मैंने आपको बताया कि अटॉर्नी जनरल का ये कहना है कि उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि हम ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर आधार को लिंक कर दिया जाएगा और मान लीजिए कोई भी व्यक्ति फेक प्रोपेगेंडा देश के अंदर फैलाना चाह रहा है या फिर टेरर रिलेटेड क्राइम्स को मतलब अंजाम देना चाह रहा है या फिर आप बोल दीजिए चाइल्ड पोर्नोग्राफी को बढ़ा रहा है, ओके, या फिर मतलब जो क्राइम्स है उन्हें कमिट कर रहा है, ओके, जो एक डार्क वेब चलता है इंटरनेट के पीछे, तो वो कहा है कि ये सारी चीजों को हम इस पे मतलब काफी अंकुश लगा सकते हैं। लेकिन फेसबुक ने उसको काउंटर किया और ये कहा कि इससे ग्लोबल इम्प्लीकेशंस भी हो सकते हैं, ओके। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि हम एक बैलेंस स्ट्राइक करेंगे जहां पे जो राइट टू प्राइवेसी है विच इज बेसिकली गारंटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 21 वो भी हैम्पर ना हो और जो राइट है किसी भी स्टेट का, स्टेट यहाँ पे मैं पूरे इंडिया एज अ होल की बात कर रहा हूँ, ठीक है, वो भी हैम्पर ना हो ताकि वो ये डिटेक्ट कर पाए कि जो पैनिक है जो मतलब फैला रहे हैं इस मतलब वेब को एक माध्यम बना के जो सोसाइटी में एक पैनिक फैला रहे हैं वो लोगों को डिटेक्ट करने के लिए भी जो इंटेलिजेंस एजेंसी है वो कहीं पीछे ना छूट पाए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे एवरीथिंग एंड एनीथिंग फॉर द सिटीजन ऑफ आर कंट्री, ओके, ये कहना है सुप्रीम कोर्ट का। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप दोनों पक्ष को देख सकते हैं कि दो एक पक्ष कह रहा है कि आप उनके मतलब फंडामेंटल राइट्स को का हनन कर रहे हैं और दूसरा पक्ष ये कह रहा है कि ये जो करा जा ये जो मतलब सरकार कर रही है ये जस्ट बिकॉज की जो इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया है, ओके, उसे प्रोटेक्ट करने के लिए कर रही है। आफ्टर ऑल एट द एंड ऑफ द डे जो मतलब अगर मान लीजिए कोई भी क्राइम होता है या फिर कोई भी अटैक्स होते हैं तो इट्स द सिटीजन ऑफ आर कंट्री विच Are the receiving end, जो receive कर रहे हैं चीजों को, okay friends? तो यहाँ पे जो कहना है सुप्रीम कोर्ट का वो यही है कि इस पे अभी हम कोई फैसला नहीं दे सकते, हाँ we'll strike a balance between both the two so that the right to privacy और जो एक right है state के अपने आप को protect करने के लिए वो hamper ना हो, okay friends? तो friends ये था पूरी news के बारे में, okay? तो हम इस न्यूज़ पे जैसे ही आगे प्रोग्रेस होगी तो फिर हम इस पे वीडियो लेके आएंगे आपके लिए। सो बाय बाय, टेक केयर, और फ्रेंड्स हमारे जो वीडियोज हैं उन्हें लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे शेयर कीजिए, ओके फ्रेंड्स? सो बाय बाय, टेक केयर, टिल वी मीट इन अ नेक्स्ट वीडियो।